गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1st of June 2022 और मैं शुरू कर रहा हूँ अपना सफर मनाली का। ये सफर एक्चुअली मनाली का नहीं, ये बियॉन्ड मनाली का होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ मनाली स्किप करके लाहौल। 2 दिन लाहौल में रहेंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद घर वापिस आ जाएंगे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। कुछ ही मिनट्स पहले हमने अपना सफर शुरू किया है, घर से निकले हुए 6 किलोमीटर हो गए हैं। बाहर का टेम्परेचर है 44 और जिस टेम्परेचर में हम जा रहे हैं वो टेम्परेचर होने वाला है 2 या 3 डिग्री। एक्सपेक्टेड है कि बहुत मजा आएगा, बाकी जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। और इस वीडियो में मैं पूरा दिल्ली से मनाली की रोड कंडीशंस भी बताऊंगा कि आज की डेट में रोड कंडीशंस कैसी हैं, कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कितनी पूरी हो चुकी है। अभी तो सिर्फ घर से निकले ही हैं और बाहर काफी ज्यादा गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर 44 है इस टाइम पे। और इस जर्नी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं दोपहर को निकला हूँ, रात का स्टे होने वाला है अनंतपुर साहिब में, वहाँ अपना होटल बुक है और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलूंगा मैं मनाली के लिए और मनाली क्रॉस करके सीधा पहुंचूंगा लाहौल। वहाँ पे मैंने एक बहुत ही सुंदर होम स्टे बुक किया है और वहीं जाके मैं आपको होम स्टे भी दिखाऊंगा और वहाँ के जो ओनर्स हैं उनसे भी मिल पाऊंगा। अभी ईस्टर्न पेरिफेरल पे आ गया हूँ मैं, घर से डिस्टेंस कवर कर लिया है 32 किलोमीटर, बाहर का टेम्परेचर 42 है और 20 मिनट में मैंने लगभग 32 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अभी यहाँ पे कुछ खास ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक आगे मिलेगा। और आज रात का स्टॉप मैं लूंगा अनंतपुर साहिब में, वहाँ पे होटल बुक है अपना। और घर से जो टोटल डिस्टेंस अनंतपुर साहिब के होटल तक का दिखा रहा था दैट वॉज 360 किलोमीटर और जो अपना ETA है दैट इज अराउंड 7:30 मुझे नहीं लगता हम पहुंच पाएंगे क्योंकि बीच में छोटा मोटा कोई एक ब्रेक लेंगे, शायद चाय पियेंगे या खाना खाएंगे। 8 बजे तक भी अगर पहुंच जाते हैं तो आई थिंक बहुत बढ़िया है और कल सुबह कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निकलने की आनंदपुर साहिब से, क्योंकि इस टाइम सीजन चल रहा है और सीजन में मनाली फुल होता है तो मनाली क्रॉस करने में भी अपने को टाइम लगने वाला है। ईस्टर्न पेरिफेरल है बहुत मस्त, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो रोड है ये सीमेंटेड है, सीमेंटेड रोड पे जो टायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा गर्मी के टाइम में पेरिफेरल या इस तरह की रोड पे जब भी आता हूँ तो थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करके चलाता हूँ। वैसे यहाँ पे स्पीड लिमिट 120 की है बट मैं 100 से ऊपर कभी भी पेरिफेरल पे नहीं चलाता गाड़ी। तो अभी हम आ गए हैं पानीपत वाले हाईवे पे NH 44। थोड़ी देर में यहाँ से पहुंचेंगे पानीपत, उसके बाद करनाल, उसके बाद अम्बाला, उसके बाद राजपुरा की तरफ जाएंगे या चंडीगढ़ वाले रोड पे लेंगे वो अभी डिसाइडेड नहीं है। वहां से 2 रास्ते कटते हैं और दोनों जाके आप आनंदपुर साहिब जा सकते हो, तो वहां जाके डिसाइड करूंगा और जो भी रास्ता लूंगा मैं बताऊंगा। ये हाईवे भी अब काफी वाइड हो गया है बट इस पे फिर भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इस पे ट्रैफिक की वॉल्यूम एक्चुअली बहुत ज्यादा है। ये पहले 3 लेन का था, अब ये 4 लेन का हो गया एक साइड पे। इस हाईवे पे एक्चुअली जब ये 2 लेन का था तब से ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कई साल हो गए मुझे इस हाईवे पे ट्रैवल करते हुए, हमेशा ट्रैफिक ज्यादा ही दिखता है इस पे। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 44 और 45 बस यही दिखा रहा है। रिलीफ हमें पहाड़ों में मिलेगा वो भी काफी दूर, लगभग मंडी के आसपास। बहुत ज्यादा ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियां भी बहुत ज्यादा है, हो सकता है पानीपत पहुंचने के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाए। ये हाईवे जो है ये NH 44 है, इसे GT रोड भी कहते हैं, इसे NH 1 भी कहते थे किसी टाइम में। बाकी लंच जो है वो मैंने गाड़ी के अंदर ही कर लिया है, चलती गाड़ी में, घर से कुछ बना के लाए थे, पूड़ियां और आलू और छोले, तो बढ़िया सा रॉयल लंच कर लिया है। और अभी भूख वूख का कोई चक्कर नहीं है, अभी आराम से काफी दूर तक चलेंगे और आराम से गाड़ी रोकेंगे शाम को कहीं चाय पीने के लिए। फिलहाल मजा बहुत आ रहा है ड्राइव करने का। एक महीना पहले एक महीना पहले हम लोग उत्तराखंड अल्मोड़ा गए थे और एक महीने से घर बैठे हुए थे, तो कुछ हो रहा था कि कहीं हमें निकलना चाहिए, तो इसलिए अभी हमने मनाली का प्लान बना लिया है। ऑल्दो मनाली इस टाइम पे बहुत क्राउडेड है क्योंकि सीजन चल रहा है,
बट फिर भी मन कर रहा था मनाली जाने का या कहीं जाने का मन कर रहा था, और इस टाइम पे जो बेस्ट डेस्टिनेशन समझ आ रही है वो मनाली ही है। और हम एक्चुअली मनाली भी नहीं, मनाली से आगे लाहौल में रुकेंगे, तो वहाँ का वेदर बहुत अच्छा होने वाला है। बस यही है प्रॉब्लम, सिर्फ यही है कि हमें सारे ट्रैफिक जैम से होके निकलना पड़ेगा, और मनाली में थोड़ा ट्रैफिक जैम हो सकता है ज्यादा मिले, तो वो थोड़ी परेशानी रहेगी। बट एक बार वो सारी परेशानियां क्रॉस करने के बाद जब हम लोग लाहौल में पहुंचेंगे तो वहां पे जो नजारे होंगे ना वो बिल्कुल वर्थ होंगे। कहाँ तो यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है, और जहाँ हम जा रहे हैं जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो टिल 2 or 3 degrees, वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है। घर से चले हुए 2.5 घंटे हो गए और डिस्टेंस कर लिया है 150+, तो एवरेज स्पीड अच्छी है। और जो अपना ETA दिखा रहा है वो 7.5 दिखा रहा था पहले, बट अब 720 दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ETA के ऊपर मैंने कवर कर लिया है। और जो डिस्टेंस बचा है दैट इज 199 किलोमीटर, यहाँ से 3.5 घंटे और लगेंगे। तो जी करनाल के बाद कुरुक्षेत्र भी हमने क्रॉस कर लिया है, बहुत बढ़िया एवरेज स्पीड आ रही है, 3 घंटे ऑलमोस्ट 193 या 195 किलोमीटर के आसपास हो चुका है। करनाल के बाद थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, ये रोड बार बार बनती रहती है, पूरा साल बनती रहती है, इस रोड पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ से लगभग 36 किलोमीटर के बाद हम अम्बाला क्रॉस कर लेंगे, थोड़ा सा राजबाग की तरफ जाने के बाद एक टोल देंगे जो काफी महंगा टोल है, और वो टोल देते ही हम जिस हाईवे के लिए टोल देंगे उस हाईवे को छोड़ देंगे। उसके बाद एक स्टेट हाईवे करना है और वो स्टेट हाईवे सीधा लेके जाएगा मोहाली, उसके बाद आगे बढ़ेंगे रोपड़ की तरफ, और रोपड़ क्रॉस करने के बाद आएगा कीरतपुर साहिब और फिर उसके बाद अनंतपुर साहिब। बाकी ड्राइव करने का बहुत मजा आ रहा है, अभी तक जैसे 3 घंटे हो गए हैं तो नॉन स्टॉप ही आ रहे हैं, एक भी ब्रेक नहीं लिया है, और एक्चुअली मन कर भी नहीं रहा है ब्रेक लेने का। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके मैक्सिमम एक ही स्टेज में जितना हो सके कवर कर लूं, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएं और वहां जाके रेस्ट कर लें, क्योंकि कल सुबह अपने को जल्दी उठना है और निकलना है मनाली के लिए। सामने ये जो बोर्ड आ रहा है यहां से रोड डिवाइड हो जाएगी, अगर आपको चंडीगढ़ की तरफ जाना है तो आपको स्लाइट लेफ्ट लेना है और उसके बाद आप सीधे निकल जाओगे, और अगर आपको अमृतसर या आगे जम्मू कश्मीर की तरफ पठानकोट से जाना है तो आपको सीधा जाना है। तो मैं अभी सीधा ले रहा हूँ, सीधा लेके मैं राजपुरा की तरफ जाऊंगा, थोड़ा सा आगे जाके एक टोल प्लाजा आएगा, वहां टोल देने के बाद एक राइट टर्न लेना होगा जो कि एक स्टेट हाईवे है, और वो स्टेट हाईवे मुझे सीधा लेके जाएगा मोहाली। तो यहाँ से सीधा जाने का फायदा ये है कि आपको चंडीगढ़ के अंदर से जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको सीधा मोहाली के बाहर बाहर ज्वाइन करेगा, और उसके बाद आप सीधा रोपड़ की तरफ नेशनल हाईवे ज्वाइन कर लोगे जो आपको आगे कीरतपुर साहिब होते हुए अनंतपुर साहिब लेके जाएगा। मैं इनिशियली डाउटफुल था कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा या चंडीगढ़ की तरफ से जाऊंगा, उसका रीजन ये है कि जो स्टेट हाईवे लेना है वो 30 किलोमीटर का है, और उसमें बीच बीच में बड़े बड़े खड्डे हैं, लोगों ने बताया भी है, और थोड़ा मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है ये खुद, जब मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में मनाली की तरफ गया था तो यहीं से वापस आया था। तो मैं बस इतना चाहता था कि अगर मैं इस स्टेट हाईवे को क्रॉस करूं तो एटलीस्ट दिन होना चाहिए, अगर अंधेरा हो जाता मुझे यहां पहुंचते हुए तो मैं चंडीगढ़ की तरफ जाता, और वहां से चंडीगढ़ के अंदर से होते हुए फिर रोपड़ की तरफ जाता। नेशनल हाईवे 205A, इसकी जो टोटल डिस्टेंस इस हाईवे पे कवर करना है दैट इज 39 किलोमीटर, और उसके बाद सीधा मोहाली टच करेंगे। फिलहाल इसकी कंडीशन ओके है, बहुत अच्छी भी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है कि आपको ड्राइविंग में मजा नहीं आएगा, गाड़ी आराम से स्मूथली 80 से 90 जा रही है। बट हाँ, बहुत ज्यादा भगाने में ये रिस्क हो सकता है कि एकदम से कोई बहुत बड़ा गड्ढा आ जाए और आपको अचानक ब्रेक लगानी पड़े। पूरी रोड बन रही है तो होपफुली आने वाले कुछ दिनों में ये रोड बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी, जोरों पे काम चल रहा है, तो जो भी बड़े बड़े खड्डों की प्रॉब्लम है
वो सारी सॉल्व हो जाएगी। ये रोड एक्चुअली काफी सारा डिस्टेंस बचा देती है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो चंडीगढ़ के अंदर से या मोहाली के पूरा अंदर से आना पड़ता है वो अवॉइड हो जाता है, तो उससे आपका काफी टाइम बचता है। तो थोड़ी देर पहले अभी मोहाली क्रॉस कर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं रोपड़ की तरफ। अब बढ़िया हाईवे आ गया है। मोहाली में थोड़ा बहुत ट्रैफिक था और छोटा मोटा कुछ काम भी था, उसके लिए रुके थे, तो थोड़ा सा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। बट एनीवे अब बढ़िया हाईवे है, एकदम 2x2 लेन का सीमेंटेड रोड है। और जो आनंदपुर साहिब का डिस्टेंस बचा है वो 58 किलोमीटर दिखा रहा है। ETA कोई ज्यादा नहीं है, 7.5 ही दिखा रहा है अभी, और यहाँ से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 58 किलोमीटर। तो रोड अच्छी होने वाली है। बट हम लोग अभी सोच रहे हैं कि रस्ते में कहीं रोक के चाय पियेंगे। जब से घर से चले हैं खाया तो है गाड़ी के अंदर बट चाय नहीं पी है, तो अभी कोई अच्छी सी जगह ढूंढेंगे और चाय पियेंगे। सन बिल्कुल सामने आ गया है और थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। अभी फिलहाल शाम के 6:30 बजे हैं, टेम्परेचर 40 है बट इतना भी फील नहीं हो रहा है, गर्मी अब ठीक हो गई है। आई थिंक ये आज की जर्नी का लास्ट होने वाला है। यहाँ से आनंदपुर साहब जस्ट 46 किलोमीटर और 49 मिनट दिखा रहा है, 7:30 का ETA है, पहुंच जाएंगे फटाफट। घर से निकले हुए 5 घंटे हो गए हैं, 300 किलोमीटर कवर कर लिया है, तो बिल्कुल भी टायरिंग नहीं है ये जर्नी। हाईवेज अच्छे ही हैं, 99% मैं कहूंगा अच्छी कंडीशन में है। ये देखो सामने कितना सुंदर ब्रिज। इस रूट पे इस तरह के कई सारे ब्रिज आते हैं। हम सतलुज रिवर के आस पास ही आ गए हैं और एक्चुअली ये नीचे सतलुज कैनाल है। अनंतपुर साहिब पहुंचने से थोड़ा सा पहले हम रुके हैं जमींदारा हवेली पे, यहाँ पे चाय पीने का प्रोग्राम है, तो अंदर चाय ऑर्डर करते हैं, चाय पीते हैं और फटाफट निकलते हैं आगे अनंतपुर साहिब के लिए, जो कि है अपनी आज की डेस्टिनेशन। अभी तक जर्नी काफी कंफर्टेबल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे हो गए हैं घर से चले हुए, 300 किलोमीटर से ज्यादा कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है फटाफट कवर कर लेंगे। कल की जर्नी अपनी थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम एंड द नॉर्मल एक्सपेक्टेड क्राउड इन मनाली। जमींदारा हवेली थोड़ा सा पहले है बस आनंदपुर साहिब से। गाड़ी मैंने इधर पार्क कर दी है और बिल्कुल सामने इसकी एंट्रेंस है, यहाँ पे हम बैठ के कुछ खाते हैं फटाफट और निपटाते हैं और आगे चलते हैं।